ये एक माँ का दर्द है। ये ममता की तड़प है। आज सबको समेट कर रखने वाली इशिता खुद पूरी तरह बिखर गई। सास बहू और बेटिया जब पहुंचा स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बते के सेट पर, तो वहाँ जार जार रो रही थी इशिता। रमन के चेहरे पर भी थी मायूसी, और इन दोनों को ये दर्द देने वाली कोई और नहीं बल्कि इनकी ही लाडली रूही है। इशिता के साथ वो हो गया कि जहाँ पे वो थी वहाँ पे सिर्फ एक अय्यर फैमिली उनकी बेटी थी, आज वो वापस वही रह गई है। और उसके बाकी जिस चीज़ को उसने अपनी ज़िंदगी मानी थी उन सब लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो इट्स अ ह्यूज जीरो इन हर लाइफ। में ढेरों सपने सजाकर इशिता 7 साल बाद गई तो थी अपनी बिटिया रानी रूही को वापस लाने, पर बेटी की मोहब्बतें तो उसे नसीब नहीं हुई, मिली तो सिर्फ और सिर्फ नफरतें। और ये नफरतें रूही के दिल में भरी हैं निधि ने। निधि से 7 साल तक यही सुना है कि उसके माता पिता फरेबी थे, उसको छोड़ दिया। तो बच्ची गलत नहीं है, उसने सीखा ही यही है पिछले 7 सालों में, तो वो उसी तरह से बिहेव करेगी। तो कुछ देर पहले तक इशिता के मायके और ससुराल दोनों जगह चल रही थी उसकी और रूही के स्वागत की तैयारी। मिसेस अय्यर और सिम्मी के बीच तो मानो होड़ ही लग गई थी, लेकिन इशिता के आते ही सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रूही ने इशिता रमन के साथ आने से इनकार कर दिया और दे दी अपनी इशिमा को नफरतों की ऐसी सौगात जिसने उड़ा दिए उसके होश। हाँ, इशिता बिखर जरूर गई है, क्योंकि अब शी हैज़ लॉस्ट ऑल द होप्स। अब इशिता के पास कोई होप नहीं बचा है ज़िंदगी जीने का, और रूही तो उसके लिए सब कुछ थी ना। रूही ने छोड़ दिया मतलब जग ने छोड़ दिया। रमन की नफरत तो इशिता ने बड़ी ही हिम्मत से झेल ली थी, लेकिन अब अपनी जान से ज्यादा प्यारी रूही की नफरतें इशिता कैसे झेलेगी, और क्या रूही की नफरतें फिर बनेंगी मोहब्बतें? यही है सीरियल की आगे की कहानी। आज तक ब्यूरो।